दर्शक साथियों बता दें कि ये जो मणिपुर एसटी ओडिशा की टीम है वर्ष 2019 में मणिपुर एसटी ओडिशा की टीम सेमीफाइनल रही थी, यानी कि सेमीफाइनल में उन्हें हाथ का सामना करना पड़ा था एसी ब्लैक जमशेदपुर के हाथों। हालांकि ये एक ऐसी टीम है जो पुरस्कार का सरकार बन सकती है किसी भी क्षण, उनमें वो जज्बा है, उनमें वो कबूलियत है, यहाँ पे भी वही उम्मीद है कि दर्शक साथी भी उनका इंतजार कर रहे हैं कि उड़ीसा वो भी And that's a good pass. The ball goes to the player to the left forward, left forward, receive the ball, he has passed over to another player. Your number has received it. He went back to another player. Once again, the ball was coming back to him, but he missed it. Now the ball goes to the player, Parisha. Second number has received the ball, he has passed over to another player. What is it? ये ऐसे कलाकुशल खिलाड़ी हैं, इन लोगों के पास हुनर की कोई कमी नहीं है। अमन जानते हैं मैं अगर यूनिफॉर्म खोलूंगा तो मुझे एक पीला कार्ड जरूर मिलेगी, लेकिन खुशी भी एक ऐसी चीज है सुना कि भाई पीला मिले होने लेकिन खुशियां मनाना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है, मैंने एक मैच देखा भी था जब लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के बिल्कुल जब वो बार्सिलोना एफसी की ओर से खेल रहे थे, हालांकि इस बार वो कल छोड़ चुके हैं, जब वो बार्सिलोना एफसी की तरफ से खेल रहे थे तो उनके साथ में वही हुआ था, एक जबरदस्त किक के जरिए उन्होंने गोल की थी और फिर उन्होंने अपने और एक चीज सेवा आप ध्यान नहीं दिए होंगे ओडिशा की टीम की भी जितनी जल्दी हो सके प्राप्ति करे इस मैच को बने रहे वापसी करे और वापस कमिटी हजूर ना रेखा थे आगे के लिए सिपाही। अब शिवाजी आपको बता दे अभी छोर बदलने के बाद मैदान की पोस्टिंग छोर पर जो टीम है वो पोटका की टीम और पोटका के एकमात्र खिलाड़ी 8 नंबर यूनिफॉर्म वाले अमन इस मैच के गोल दाता फिर से एक सजाई हुई लेकिन अच्छी गैदरिंग हुआ गोलकीपर के द्वारा अपने लंबे कद का अच्छा फायदा उठाया बहुत ही अच्छी तरह से अपने कद काठी का इस्तेमाल करते हुए और गोलकीपर का यही होता है कि भाई वो अपने शरीर को कितना लचीलापन और समय के साथ उपयोग करे अपने टीम के लिए बेहतर होता है। शिवाजी बिल्कुल सही और गोलकीपर ने कोई गलती नहीं की, जैसे ही देखा कि गेंद उनके सिर के ऊपर आ रही है अपने ग्लव्स खोले और ग्लव्स में लपेटते हुए एक बार फिर सपोर्ट करने की चले कि नाम जरूर थी लेकिन ये हवा में उछा रुकेगी नहीं किसी से जो जाएगी सीधे और ग्लव्स से बाहर बैंगल टाइगर वेस्ट बैंगल इस खेल के तुरंत बाद तैयार रहेंगे
एसी ब्लैक जमशेदपुर ओडिशा को और अच्छी कट सुंदर है किसी गेम को चकमा देके आगे निकाला अभी भी कब्जे में खेला जरूर लेकिन काफी बाहर के लिए तो मौका नहीं दिया आप तीन पिक्चर पटका को दो तीन करने का मौका हालांकि गेंद उड़ीसा के पास बाएं शॉट पर से आक्रमण लेकिन बड़ा अच्छी तरह से हो गई अगले फिर से तीन पिक्चर पटका के पंद्रह नंबर खिलाड़ी छोटे छोटे फिर से गेंद गणेशाम के पास और इस बीच घनश्याम छोटी बनवाराम के पास घनश्याम गोल पोस्ट के काफी करीब करीबी मामला थोड़ा तो गोल की प्रत्या समाज अपने आप बता के कोई खतरा नहीं यहाँ पे अपील जरूर हुई थी थोड़ी सी वहां पर दूसरा स्त्री के साथ चलते रफी महोदय लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बार फिर से गेंद जाएगी इसके गेम में पहले भी देखा था इसके बीच इसे दो नंबर की तस्वीर खेल रहे हैं ये कैसे स्ट्राइकर ने जब भी खेल के रुख से रख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे क्रिकेट में लेके और मैं बता दूं 2018 फिलहाल यहाँ पे मैदान के पीछे बीच आते हैं खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर गेंद को खेला है लेकिन गलत खिलाड़ी गौरव स्मृति से गेंद आती है पोस्ट की पांच नंबर के पास पांच नंबर ने गेंद को सुंदर तरीके से रोका जरूर लेकिन थोड़ी सी गेंद छलांग जरूर ली थी वापस गेंद को अपने साथ खेल के बनाते हो मौका बनाते हो धीरे धीरे पोस्ट के खिलाड़ी यहाँ पे गेंद कवर में छाई गई लेकिन उस पर कोई खिलाड़ी नहीं आए भी खिलाड़ी गेंद को रोका जरूर है लेकिन कितना फायदा उठाता है देखने वाले बापू की खेलना चाहते थे लेकिन वापस लगाती हुई ओडिशा के कब्जे में ओडिशा के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में किया खेलना चाहते थे साथी खिलाड़ी को लेकिन वापस खेल रहा है कोटला के कब्जे में वापस गए ओडिशा के कब्जे में चौदह नंबर की आपके साथी खिलाड़ी के लिए राइट बैक ने गेंद को रोका दो नंबर की दस्ती में अभी भी गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को थमाते हुए सेंटर बैक ने गेंद को रिसीव किया खेल दिया आपने लेफ्ट मिडफील्ड ने गेंद को रिसीव किया और आगे आते हुए रेड लेफ्ट मिडफील्ड अभी गेंद के साथ हालांकि एक खिलाड़ी किया गया अच्छी तरह हाई ट्रैक के मजाक से करते हुए आगे बढ़ते हुए गेंद को अपने कब्जे में किया इसके नाम के साथ साथ खिलाड़ी को थमाया अपने राइट मिडफील्ड ने खेला सेंटर मिडफील्ड को फॉर नंबर का सेंटर मिडफील्ड गेंद को अपने नाम के साथ गेंद को अपने स्पीड में किया लेकिन खेला और बिल्कुल सिवाज जी अनिल टुडू का यह शॉट था जबरदस्त फरार और एक एक की बराबरी पर यह मैच आया और यहाँ देखिए लग नहीं रहा पाती है गेंद में अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी का काम ही नहीं है सिवाज जी की भाई यहाँ तो हम कुछ करें यहाँ तो कोई कुछ कर रहा है इस खिलाड़ी को जिस रीति से वो कीपर को चकमा दिया बिल्कुल बिल्कुल सिवाज ने अगर इधर सिर्फ खाली बोल दिया था लेकिन और खेल दिया अपने साथ खेला पंद्रह नंबर में धकेला अपने सेंटर बैक के द्वारा अच्छी रिसीविंग गेंद को रिसीव किया हालांकि उनके आगे खिलाड़ी लेकिन अच्छी पास जो है बढ़िया रो खिलाड़ी एक्सप्लेन जो है तोहफा है यारे और जाग उठ गया है यहाँ पर मारांगुर रेंजर स्टेडियम में बिल्कुल एक एक की जबरदस्त बराबरी
बिल्कुल मरांगुर फुटबॉल टीम यहाँ पर फुटबॉल टीम इतना महान होता है उड़ीसा जोशी से सात बजे की जैसे बच्चों का टीम लेकिन अच्छी रुचि फिर से यहाँ पर रुचि नहीं किस तरह से यहाँ पर फ्री बॉल में सोचा कि खिलाड़ी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये मरांगुर स्टेडियम सो गया था लेकिन बाद में आने दो आने के बाद फिर से जग गया दोस्तों को बिल्कुल दूसरा से आए हुए दोस्तों सिंपल थ्रो मछली खोलने का है ठीक है जी बराबरी शुरुआती खंड अमन और एक खुला गोल मिला था बहुत ही कमाल की फिनिश लेकिन उससे बेहतर फिनिश यहाँ पर आने के लिए जैसे मैं चौदह से उड़ीसा द्वारा बराबरी का गोल मजा आ गया शिवाजी बिल्कुल यहाँ पे सामने बनता हुआ उड़ीसा के खिलाड़ियों के बीच में और फुटबॉल में बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को समझे एक दूसरे के बीच में तालमेल बनाए और फिर खेल को आगे लेके जाए तो वो आपकी सफलता के कारण बनते हैं और यहाँ सपोर्ट का खिलाड़ी के पास ले जाती थी लेकिन चूके और धीरे धीरे चले आएंगे आप भी एसी प्लेक जमशेदपुर और सैंगो चागो वेस्ट बंगाल यहाँ पर फ्री किक तो बाहर लाने दो यार फुटबॉल में भी नहीं जीवन में भी कभी कभी आगे जाने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है इसी की थोड़ा बहुत सजावट ही करा करके जाने की कोशिश किया गया है बार क्या क्या था अच्छी तालमेल बहुत ही सटीक पास एक जमीनी खेल का प्रदर्शन करता हुआ हरिये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है बराबरी पर आने के बाद यहाँ पर उड़ीसा के टीम ने मैच में बहुत ही खतरनाक नजर आता हुआ और बचाव के बाद ऐसा लग रहा है कि इस मैच में इस टीम में जनिस्ता हार भी जाएंगे जनिस्ता बहुत ही साफी भी नहीं और बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है लेकिन राम की दूसरा को राजस्थान के बाद में सारे किस करके आते हैं दूसरी बार की बहुत अच्छी बचा आसमान अनिल की और इसलिए कहते हैं मरात रंग सवार पर एक लाख बात होगा इस तरह के अवसर इसलिए सुबह का सवार बहुत तो भी चले आएंगे और गुलाब का मुझे लगता है इसके बाद वाले मैच के लिए मैं जानकारी देना चाहूंगा एसी ब्लैक जमशेदपुर और साथ में आएंगे बेंगल टाइगर वेस्ट बेंगल भाई आप दोनों हमारे आमंत्रित सम्मानीय टीम इस मैच के बाद यहाँ बच्चों बिल्कुल बड़ी चौक आई जमशेदपुर मजाक के मध्य रेखा के मध्य बिंदु के आसपास में पहुंचा जमीनी प्रहार बाएं चौथा क्रॉस की संभावना है क्रॉस हुई घरे का थोड़ा सा पीछे रह गए और गेंद चली आई दूसरे के खिलाड़ी के पास फिर से काउंटर अटैक की संभावना बनती है अच्छा मौका है लेकिन बिंदु की अच्छी है परंतु फिर से उड़ीसा के खिलाड़ी के पास थोड़ी सी वापस भेजी फिर से ऊंची एंगल से बाएं ऊपर से बड़े की संभावना थोड़ी सी आगे के लिए जमीन बनाया और की लाइट हेडर का चौथा नंबर इस बार गेंद नीचे नहीं रख पाया